सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है, मैं भावना। खबर शुरुआत करते इस खबर तो, इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के प्रोग्राम च आउण की हामी भर दी है। इसका मतलब है कि काफी लंबे समय तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूजे के सामने होणगे। इस तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी का सद्दा देने लिए उन्होंने सिसवा रिहाय से सिद्धू नाल गए थे। कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, संगत सिंह गिलजिया पहुंचे, इसके नाल ही रमिंदर आमला भी पहुंचे ने, जिथे उन्होंने मीडिया के नाल गलबात की है। कि कहा उन्होंने, तुसी भी सुनो। सर, यही मुलाकात ली जा रहे हो? साढ़े सीएम साहब है, कांग्रेस पार्टी के सीएम ने, और मैं सारे को यही रिक्वेस्ट करता कि साड़ी आपकी पार्टी इकट्ठी है। बीसीसी के प्रधान साढ़े नवजोत सिंह जी ने, सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, असी इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़नी है, असी कभी दूर नहीं हो सकते। बिना माफी दे है ही नहीं। दस दिए कि इस तो पहला, इस तो इलावा वड्डी खबर यह भी सामने आ रही है कि सिद्धू ने निजी तौर पर एक सद्दा पत्र कुलजीत नागरा के हाथे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भेजा है। इसका मतलब है कि कैप्टन नूं नवजोत सिंह सिद्धू ने निजी तौर पर अपनी ताजपोशी के प्रोग्राम लिए सद्दा भेजा है। इस तो पहला यह खबर सामने आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सारे विधायकों ने एक पत्र भेज ताजपोशी लिए बुलाया है। इस नाल ही अगली खबर वल वधदे हां। नवजोत सिंह सिद्धू की 23 तरीक यानी कि कल चंडीगढ़ कांग्रेस हैडक्वार्टर विच ताजपोशी की जाएगी। दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी घट नहीं हुई। इसके चलते कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा नूं यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ताजपोशी विच शामिल होने का सद्दा देण जाण अते उन्हां नूं शामिल होने लई मनाउण। मुख्यमंत्री नाल कुलजीत नागरा की मीटिंग हो रही है। दस दिए कि कुलजीत नागरा कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल सद्दा देण लई पुजे ने, पर इस मीटिंग तो पहला कुलजीत नागरा ने की कहा, तुसी भी सुनो। कोई भी मीडिया वाले सवाल करोगे जिदा जवाब मैं नहीं दे सकता, और मैं नई पार्टी के हित विच मैं स्पष्ट करना चाहना हां समुचे थोड़े सत्कार दे नाल। अगली खबर वाल, संसद विच मानसून इजलास दौरान वीरवार जानी अज नूं किसानां ने तीन खेतीबाड़ी कानूनां खिलाफ दिल्ली दे जंतर मंतर विखे विरोध प्रदर्शन कीता, जिस दे चलदे पुलिस ने केंद्रीय दिल्ली दे आसपास सुरक्षा नूं वधा दित्ता है अते वाहनां दी आवाजाई उत्ते वी नेड़ियों नजर रखी जा रही है। पुलिस सुरक्षा दे किसानां दा समूह बसां च सिंघू बॉर्डर तों जंतर मंतर पहुंचा। इत्थे किसान अपनी पहचान है बिल्ले पा के अते हत्थां विच अपनियां यूनियन दे झंडे फड़े होए नजर आए ने। दस दिए कि प्रदर्शन सवेरे 11 बजे शुरू होना सी, पर किसान इत्थे सवेरे 12:25 बजे ही पहुंच गए सन। इस दौरान जंतर मंतर विखे पहुंचे किसानां ने नारेबाजी कीती अते सरकार तों तिन्ने कानूनां नूं रद्द करवाउण दी मंग भी कीती। दस दिए कि प्रदर्शनकारी किसान जंतर मंतर दे इक छोटे जे हिस्से विच मौजूद ने, जिथे पुलिस ने दोवां पासियां तों किसानां दी सुरक्षा लई बैरीकेड लगाए होए ने। इस मौके पंजाबी अदाकार सोनिया मान भी इस प्रदर्शन विच हिस्सा लैण लई पहुंचे अते उन्हां ने मीडिया नाल की गलबात कीती, तुसीं भी सुणो। लेकिन सोनिया जी लगता है कि आपके यहाँ आने से सरकार पर दबाव बन पाएगा? सोनिया जी, हमारे किसान यहाँ पर आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, दबाव पड़ेगा। आगे जो पार्लियामेंट में अंदर बात कर रहे हैं वो भी दबाव करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मौके कहा कि किसान अपना हक लेके रहेंगे। जब उन्होंने तो पूछा गया कि ट्रैक्टर तैयार ही रखने का की मतलब है, तो तुसी भी सुनो कि कहा किसान आगू ने। भाई ये तो पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन हम दिल्ली की जमीन में घुस गए, आ गए हम दिल्ली में यहाँ पे, और हर रोज आएंगे जब तक पार्लियामेंट चलेगा, जब तक किसान यहाँ पे आता रहेगा, अपनी बात कहेगा। और सरकार ने ये मान लिया कि हम किसान हैं, मतलब 8 महीने में ही बनना। आईडी नीचे करो सर। संसद जाओगे या यहीं पे लगाओगे? हम अपने संसद लगाएंगे, एक किसान भी संसद लगा सकता है, ये किसानों की संसद चलेगी यहाँ। और जो मेंबर पार्लियामेंट अंदर हाउस में है, वे अगर हमारी आवाज नहीं उठाओगे तो हम उसका विरोध करेंगे। जी, आपके साथ कितने पार्टियां मौजूद हैं?
नहीं, हमें पार्टियां क्या कर रहा, किसान मौजूद है हमारे पास। अरे विपक्ष पार्टी वहाँ पे आवाज उठाएगी, लगता है कि सरकार पर दबाव बन पाएगा। अरे पता नहीं दबाव बनेगा नहीं बनाओगा, लेकिन आवाज जो नहीं उठाओगा हम उसका विरोध करेंगे, वो सत्ता पक्ष का हो या वो विपक्ष का हो। विकास साहब आपने एक सुबह बयान भी दिया है कि ट्रैक्टर तैयार रखना, अरे इस तरीके से मायने रखता है ट्रैक्टर तैयार में कोई ट्रैक्टर में बैन है, ट्रैक्टर खेती भी करता है, तेल भरवा कर रखना कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके मायने क्या है? इसके मायने वही है जो कुछ समझ गए आप, वही है इसके मायने। इसके मायने समझ लेना दिल्ली, ट्रैक्टर का मायने क्या है वो समझ लो दिल्ली। अरे लाल किले में कोई कानून बनाए भुक्तु के घर में दिल्ली, ये दिल्ली कुछ है दिल्ली के बिल्कुल बीच में। दूजे पासे इस मौके किसान अली गुरुद्वारा साहब तो लंगर भी आया, जिथे किसान है सारा दिन प्रदर्शन करन गए ते नाल ही किसाना दा ख्याल रखदे होए किसान अली लंगर दा इंतजाम भी कीता गया। नहीं नहीं, गुरुद्वारे से सेवा लगी हुई है, सेवा लगी हुई है। तो साफ तौर से आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वैन आई है यहाँ पे, और ये बंगला साहब गुरुद्वारा से ये लंगर प्रसाद जो है आया है। अब ये यहाँ पे जो जंतर मंतर पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, 200 किसान का जत्था पहुँचा है, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो उसके लिए बंगला साहब गुरुद्वारे से अब से जब तक मानसून सत्र चलेगा और किसान यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आएंगे, वो रोज़ बंगला साहब से यहाँ पे प्रसाद आएगा, लंगर आएगा, दोनों टाइम का आएगा और उन लोगों को खिलाया जाएगा। ख़ासतौर से सिंघू बॉर्डर से जो किसान आए, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने फ़िलहाल इस गाड़ी को यहाँ रोक रखा है, लेकिन इनको इजाज़त है, ये दोनों टाइम यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ से फिर ये आगे जो बैरिकेड मैं आपको दिखाऊँ, ये बैरिकेड है, इसको क्रॉस करके ये जो इस बैरिकेड के पीछे किसान बैठे हुए हैं, 200 किसानों का जो जत्था पहुँचा है उन तक ये लंगर पहुँचाया जाएगा, और दिन का भी और शाम का भी इनका इनके भोजन का इंतजाम बंगला साहब गुरुद्वारा की तरफ से किया गया है। अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस दे नाल ही अगली खबर वल वधदे हां कि पंजाब कांग्रेस दे नवे बने प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कल अमृतसर च अपना शक्ति प्रदर्शन किया है ते अपने समर्थकों दे नाल श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होए, नाल इस दे नाल ही वड्डी तादाद च कांग्रेस दे वजीर भी शामिल सी ते हुण कल सिद्धू री ताजपोशी होवेगी। 23 जुलाई नूं सिद्धू री ताजपोशी संबंधी प्रोग्राम च मुख्यमंत्री नूं बुलाउण दे लई सिद्धू सहित विधायकां दे सिग्नेचर वाला सद्दा पत्र कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भेजिया गया। इस दे नाल ही दस दईए कि सिद्धू वल्लों कल चंडीगढ़ च 50,000 का इकट्ठ किया जाएगा ते हर विधायक नूं 1,000 समर्थक लियाउण दे हुक्म भी दिते गए ने। सुखजिंदर रंधावा ने दस्सिया कि सारे सांसदां अते विधायकां नूं बुलाया गया है। तुसीं वी सुणो सुखजिंदर रंधावा तों सिद्धू री ताजपोशी दे प्रोग्राम दी तैयारी बारे। प्रोग्राम रहेगा, कितने लोगों को इनवाइट जा चुका है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सारा? सभी एमएलए, सभी मिनिस्टर्स, सभी एमपी को हमने इनवाइट किया है, और हाईकमांड से रावत साहब या कोई और भी जो आ रहे हैं, रावत साहब जिसको भी लेकर आएंगे वो सभी कल यहाँ 11 बजे हमारा उनका चार्ज देंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट का, और उनके साथ जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं सुनील जाखड़ जी उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी हमारे लीडर हैं, हमारे सीएलपी के लीडर हैं, कांग्रेस के और रिस्पेक्टेड लीडर हैं, उनके पास नागरा साहब और जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं उनके साथ, वो सभी उनको इनवाइट करने के लिए जाएंगे। कितने बजे जाएंगे सर आज? फिर सर नागरा साहब ने आपको टाइम बता दिया होगा, उनको पता होगा कि कितने किस टाइम पर जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो आएंगे, प्रियंका गांधी का हाई कमांड का है कि किन किन लोगों ने आना है, हमें अभी कुछ उसके बारे में नहीं पता, मैं इतना पता है कि कल 11 बजे फंक्शन होगा, बाजवा साहब, सरकारिया साहब और मेरी वड़िंग साहब और दूसरे एमएलए साहब जितने भी हैं, नागरा जी, पिंकी जी और गवाया साहब, इनकी ड्यूटी लगी थी कि आप जाकर वहाँ देखेंगी कि लोगों को कैसे अंदर लेकर जाना है। अभी एसएसपी चंडीगढ़ वो भी हमारे साथ बैठे थे, पूरा रूट किस रूट से कहाँ से कैसे एंट्री करना सभी हमने तय कर दिया। रंधावा साहब, आप पर एलिगेशन लग रहे हैं कि आप विधायकों को जो है डरा धमका रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में आने को लेकर।
पहले आप पहले विक्रम मजीठिया कहता था कि ये धमकाता है और कांग्रेस का मेरे ख्याल में कोई MLA सामने आ जाए तो मैं आपके साथ फिर बात करूंगा, जहां आप मेरे को नाम बता दीजिए आपके साथ उसके। देखिये जो AICC का जब किसी ने आना होता है हम उनको भेजते हैं कि उनकी तरफ से आती है कि हम इतने लोग आएंगे। PCC ने कभी भेजी थी? PCC का काम है कि हर वर्कर को इनवाइट किया है हमने, हर इलाके के MLA, ex-MLA, प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, महिला विंग, यूथ विंग, सभी को ओपन इनविटेशन भेजी और हम सभी को जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नंबर लेकर उन सभी को मैंने और सब जितने हम मिनिस्टर्स हैं हमने सभी ने उनको कॉल किया है और यूथ कांग्रेस के हर लीडर को हमने कॉल किया, चाहे वो ब्लॉक का प्रेसिडेंट है उसको भी हमने कॉल किया। ग्रास रूट पर हम जाकर कॉल कर रहे हैं, आप कल देख लेना कि कैसे कांग्रेसी वर्कर पाएंगे। तो पहले एक और शक्ति प्रदर्शन हो सकता है? शक्ति प्रदर्शन इसको नहीं कहेंगे हम। जब भी कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है उसके लिए कांग्रेस के वर्कर वहां आते हैं और संदेश लेकर जाते हैं, इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे, इसको कांग्रेस का फंक्शन कहेंगे। अगर कल कैप्टन साहब नहीं आते तो हमारे पास अभी नहीं आई, जब आएगी आपको भेज दी जाएगी। कल तो आपको किसने कहा कि कप्तान साहब नहीं आते? क्योंकि अभी अभी बिल्कुल वो कप्तान साहब आएंगे और हमेशा वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के लिए आएंगे। नजर नहीं आ रहे लोगों भी मेरे ख्याल एंड को दूसरी लॉ पे देखिए हमारा अभी PCC प्रेसिडेंट समिति को नहीं किया और आज सभी जितने कांग्रेस के नेताजन है वो तैयारी के लिए लगे हैं। हम 3-4 लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने तैयारी करनी है, प्रोटेस्ट करेंगे और ठोक कर करेंगे, वहां नहीं जहां भी कहीं जो फोन टैपिंग होती है बड़ी बदकिस्मती है कि पहले भी आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में जब अकाली गवर्नमेंट थी उस टाइम हाई कोर्ट के जजेज ने कहा था कि हमारी फोन टैपिंग होती है, ये डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। जो आज इमरजेंसी की बात करते हैं उस टाइम भी कोई फोन टैपिंग नहीं थी, आज कहीं भी आप देखो कि आदमी फियर में बैठा है, इसको दूर करने के लिए हम बड़ा जबरदस्त गवर्नर कर। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई नूं अपना अहुदा संभालणगे। चंडीगढ़ विच शुक्रवार सवेरे 11 बजे कांग्रेस भवन विच सिद्धू दी ताजपोशी होगी जिथे सब तैयारियां जोरां ते चलदियां ने। जानकारी मुताबिक ताजपोशी प्रोग्राम दे लई कांग्रेस भवन विच लगे कई पौद्यां नूं कट्टिया जा रहा है जिस दीआं इह तस्वीरां भी सामने आईआं ने। इस नाल ही अगली खबर वल वधदे आं। पंजाब कांग्रेस दे नवे बने प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ताजपोशी तो पहला कार्यकारी प्रधान सुखविंदर डैनी दे घर मुलाकात लई पहुंचे। इस दौरान सिद्धू नाल विधायक सुखपाल भुल्लर, इंदरबीर सिंह बुलारिया अते डॉक्टर राजकुमार वेरका भी मौजूद रहे। इस मौके राजकुमार वेरका ने कहा कि कांग्रेस सरकार एकजुट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी से जरूर पहुंचणगे। इस नाल ही इंदरबीर सिंह बुलारिया ने कहा कि जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह शरीर ने तो सिद्धू आत्मा ने। उन्होंने कहा कि दोनों के मिलन नाल ही कांग्रेस सुचजे ढंग दे नाल चलेगी। बेबुनियाद कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, इहदा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जे कैप्टन साहब शरीर ने तो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू आत्मा ने और शरीर और आत्मा का मेल जिहड़ा उही एक सक्षम शख्सियत बनाउंदा है और उही एक कामयाब पार्टी भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी होगी। सो अजिही कोई गल नहीं है। असी सारे कल विधायकों ने सिद्धू साहब के ग्रह विखे बह के असी बहुत ही वधिया फैसला सारा ने लिया कि सत्कारयोग माणयोग साडे पंजाब की आन बान शान कैप्टन साहब नूं न्योता देना और सत्कार दे नाल उन्हां नूं निमंत्रण पत्र देना। तो इस करके अजिही कोई गल नहीं।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਭੜਕ ਗਏ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मीडिया के सामने रखने से भी आप रोकने का काम करेंगे? ये मीडिया लोज है। नहीं नहीं, मीडिया 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 ने बुलाया है। आप दे रहे हैं कौन सी हायर अथॉरिटी? यू कॉन्ट स्टॉप अस। एक्चुअली यू आर डूइंग अ प्रिविलेज। डियर एमपीज, वी आर नॉट अलाउड इन द पार्लियामेंट। वी आर नॉट अलाउड। ये नई बात देख रही है। पुलिस इंटरफेयर कर रही पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर कर रही। बाय द हायर अथॉरिटी शुड नो। बाय द हायर अथॉरिटी शुड नो। इज दिस अ पुलिस स्टेट? उसका मतलब कौन सी हायर अथॉरिटी बता दी? कौन सी हायर अथॉरिटी है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। कौन सी हायर अथॉरिटी है जिसको ये पता चलना चाहिए हम किसान की बात में? आप पार्लियामेंटेरियन से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन से तो फिर आपका क्या हक है? हम बात कर रहे हैं किसानों की। बीच में आपने कैसे रोका हमें? इन्फॉर्मेशन हाई अथॉरिटी को क्या हमारी सीआईडी लग रही है? ये विजय चौक में कौन से में क्या हमारे निगरानी रखी जाएगी? नया मार्शल लॉ लगा दिया जी। इस प्रकार ये पाकिस्तान जैसा हाल इधर कर रहे हैं? ये हमारा नाम लिख रहे हैं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ।